एक नज़्म आपको सुना रहा हूं जिसका उनवान है माँ। नज़्म अल्ताफ हुसैन हाली की है। हाली गालिब के शागिर्द थे और उन्होंने गालिब की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। अब ये नज़्म सुनते वक्त यही याद रखिए कि ये नज़्म उस वक्त लिखी गई थी जब बड़े शहरों में तो शायद आटे के लिए चक्की आ गई थी, पर छोटे शहरों में और कस्बों में और गांवों में तब भी वो चक्की हुआ करती थी घर घर, जिसमें आटा पीसा जाता था। उम्मा के खाते हो तुम हर रोज रोटी, बताओ क्यों करे तैयार रोटी। अगर आटे की पकती है तो आटा, बताओ कहां से है रोज आता। तुम्हारा बाप जो कुछ कमाता, अनाज उसका है वो मोल ही लाता। तुम्हारी माँ को दे देता है लाकर, वो उनको चुन फटक कर और बनाकर खुद अपने हाथ से है पीस लेती। लगा रखी है उसने घर में चक्की, उसी चक्की का पीसा उठा वो आटा, चढ़े परवान हो तुम जिसको खा। वो बेचारी हमेशा सुबह होते जब तुम बेखबर होते, झट आटा पीसने जा बैठती है। अजब बंदी खुदा की मेहनती है, वह है इस हाथ से चक्की चलाती है और उससे गल्ला पैम डाले जाती। जब उसका हाथ थक जाता है दाया, बदल लेती है तब वो हाथ बाया। कभी घबरा के दिल्ली दिल में, कभी घबरा घबरा के दिल्ली में अपने खुदा का नाम वो लगती है जपने। कभी दिल को खुदा से लौ लगाकर तसल्ली देती है वो गीत गाकर। जब आटा पीस चुकती है तो गोया समझती है बड़ा गढ़ उसने जीता। फिर आटा छान कर भूसी जुदा कर उसे भरती है मटके में उठाकर। पकाने का जो नई वक्त उसकी आया, संभाला उसने झट आटे का कुंडा। लगी फिर गूंदने आटा झपाझप, उसमें मारने मुक्ति शपाशप। वो यूं आटे को है देती पटखनी कि गोया लड़ रही है उससे कुश्ती। जब आटा गूंद चुकती है तो लेकर तवा देती है चूल्हे के ऊपर, बनाती है गुंधे आटे के पेड़े कि हो जल जिस तरह से जल्दी नबेड़े। वो झप झप फिर पका लेती है रोटी, चपाती खा हल्की खा मोटी। जरा देखो तो कोई उसकी फुर्ती, तवे पर दम में डाली और उल्टी। पका कर रेंद कर खा कर खिला कर हुए झूठे जो बासन धो धुला कर, लिया कुछ और घर का काम धंधा, यही है उसका सुबह शाम धंधा। वो करती है सुल्तान की खिदमत, नहीं मिलती उसको मरने की फुर्सत। यही रहता है दिन रात उसको रोना, पकाना रेंदना सीना पिरोना। रुधी रहती है तुम बच्चों में दिन रात, करेगी तो किसी से क्या बात। न होश अच्छे का उसको और बुरे का, न कपड़ा पहनने और ओढ़ने का। कहीं पड़ रहे ना फारिग जब होना कि सोने में दाखिल है ये सोना। ढला दिन और चढ़ा सर खाने की फिक्र, तुम्हारे बाप के घर आने की फिक्र। सवेरे को वो निकला घर से, फिरेगा शाम को जब काम पर से, तो उसको देखते ही आप से आप बड़े और छोटे हो जाएंगे चुपचाप। कदम रखेगा जो नहीं घर के अंदर, संभल के बैठोगे तुम सब उसी के डर से, उससे डर कर। और अम्मा छोड़कर फिर सुई तागा, ले लेगी लेने उसका आगा तागा। उस उस्ताने नहीं पाता के लाके, बिछा देती है दस्तरखान आगे। घड़ी तुमको खड़ी करती है पंखा, घड़ी पानी पिला देती है वो लाला। दिए जाती है तुम सबको वो सालन, रहे अपने लिए तो कुछ नलादन। जो बच रहती है पीछे हड्डी बोटी, लगाकर उसे खा लेती है रोटी। उसे तुमको खिलाने से है मतलब, नहीं कुछ अपने खाने से है मतलब। अगर खाने में आई तुमको लज्जत, तो समझो लग गई नेक उसकी मेहनत। न पका के मजे का तो निगोड़ी हुई जाती है दिल में थोड़ी थोड़ी, भला माँ के सिवा किससे बनाए। न खाए आप और तुमको खिलाए, तुम्हें क्या फिक्र इन झगड़ों की भाई, कि मिलती है तुम्हें पकी पकाई।
पकाने से ना पकवाने से मतलब, अगर तुमको अगर है तुमको तो खाने से मतलब, जरा सी देर खाने में अगर हो तुम रो रो के घर सर पर उठा लो। ना उल्फत की बाप तुम जान, ना उल्फत बाप की तुम जानते हो, ना माँ की ममता पहचानते हो, ना उनकी मेहनतों की खबर है कुछ, ना उनकी जाफिशानी पर नजर है कुछ। नहीं कर सकते हक उनका अदा तुम, करोगे उन पर से घर जा भी फिदा तुम। दिलो जा से करो तुम उनकी अजमत, बजा लाओ अदब से उनकी खिदमत। समझ लो इसी से माँ की कदर अजमत, के पाँव के उसके नीचे है जन्नत, पाँव के नीचे उसके है। एक माँ का डिस्क्रिप्शन है। इसी के साथ मैं आप शुरू करता हूँ आज की शाम।